आपको बता दें कि दावत से शादी से लौट रहे पांच युवक नहर में जा गिरे थे और नहर में गिरने वाले चार युवक, उनमें से मौत हो गई है। उन युवकों की शासन प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि नहर में गाड़ी जाने के बाद चारों लोगों की मौत हो गई थी। शमशाबाद क्षेत्र के गड़ी मोहनलाल के थे चारों मृतक, रहने वाले थे गड़ी मोहनलाल के। आपको एक बार फिर से बता दें कि चार मौतों के बाद गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है, गमगीन माहौल है, चारों तरफ लोग रो रो कर बुरा हाल है, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। चारों चिताएं एक साथ जलाई गई, इस दौरान प्रशासन वहां मौजूद रहा। इस पर सीधे जुड़ते हैं संवाददाता मनोज शर्मा के साथ। मनोज, क्या है पूरी अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी आयुषी, मैं आपको बता दूं कि ये कल शाम को गांव के ही निवासी है मनोज, उसके साथ में दाल खाने गए थे रिश्तेदार के यहाँ पर। वहाँ से वापस आते समय दिनगर के पास नहर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कि ये घटना हो गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इससे पहले भी मनोज नहर में काफी लोगों की मौत हो गई, नहर के जो आसपास से बाउंड्री वॉल नहीं है, आखिर क्यों नहीं है, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? इसमें गाँव वालों का ये कहना है कि जो नहर की पटरी है वो ऊंची नहीं है, जिससे आए दिन वहाँ घटना होती रहती है। जी बिल्कुल, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, जिससे नगरवासी बहुत ज्यादा परेशान है, गांववासी बहुत ज्यादा परेशान है। अधिकारी उस जगह मौजूद है, शमशान घाट में मौजूद है, उनका क्या कहना है इस मामले में? नहीं, अधिकारियों का कहना है कि ये नहर विभाग का मामला है, उन्हें भी बताया जाएगा, जिससे कि वहाँ वो पटरी है उसे ऊंची कराया जाए, जिससे कि घटनाओं पे ब्राम लग सके, सीधे आते हैं तो सीधे गाड़ियां नहर में चली जाए तो वो रुक सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। आपको बता दें कि नहर में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई, एक युवक की हालत बेहद नाजुक है, चारों चिताएं एक साथ जलाई गई, गमगीन माहौल देखने को मिला, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि एक साथ चारों चिताएं जलाई गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नहर में इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, नहर के आसपास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, इससे पहले भी तमाम हादसे हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी जो है नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे। आखिर कब अधिकारी नींद से जागेंगे?